शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल हो जाती है तो मैं इसको तीन किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ, जनून यानी दीवान की, जजाम यानी कोर, और बरस से आफियत दे देता हूँ, जजाम यानी कोर जिसमें हाथ गल जाते हैं, और बरस से मुराद जिल्द के सफ़ेद दाग हैं। मतलब ये कि 40 साल के बाद इन अमराज का वकूअ बहुत कम हो जाता है, और जब मेरे बंदे की उम्र 50 साल हो जाती है तो इससे हिसाब आसान करूँगा, और जब कोई बंदा 60 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो मैं तौबा और रुजू को इसका महबूब बना देता हूँ। मतलब ये कि 60 साल की उम्र के बाद तौबा से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने की तौफीक अता होती है। जब मेरे बंदे की उम्र 70 बरस हो जाती है तो फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं, और जब 80 बरस का हो जाता है तो इसकी नेकियां लिखी जाती हैं और गुनाह नज़रअंदाज किए जाते हैं, और जब मेरा बंदा 90 साल का हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह का कहती है, अल्लाह की ज़मीन में इसके पहले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं, क्योंकि मतलब ये है अल्लाह तबारक व तआला ने इसको रूह को जिस्म के कैद खाने में कैद कर रखा है, मुद्दत पूरी हो चुकी है, बस हुक्म का इंतज़ार है। और जब कोई बंदा अर्ज़िले उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला इसके नामा अमाल में इसकी तंदरुस्ती और सेहत के ज़माने की अमाल है लिखता रहता है। अगर इस बंदे से कोई बुराई हो जाती है तो बुराई इसके नामा अमाल में नहीं लिखी जाती। अर्ज़िले उम्र से मुराद वो उम्र है जिसमें इंसान की होश और हवास बजा नहीं रहते और बहकी बहकी बातें करने लगता है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शाद फरमाया कि मेरे दोस्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से गए हैं, वो कहते हैं, कसम है इस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से एक बंदे ने 500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर इबादत की, ये पहाड़ समुंदर के बीच में है, ये पहाड़ 30 मुरब्बा मील है, इसके चारों तरफ सैकड़ों मील का समुंदर है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत गुजार के लिए इस पहाड़ में मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया जिसकी धार उंगली के बराबर मोटी है, और एक तरफ अनार को इस पहाड़ की जड़ों में लगा दिया गया है जिसमें हर रोज़ एक अनार तैयार होता था, अब इस पहाड़ से उतर कर वजू करता, इस अनार को खाकर फिर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाता। जब इस आबिद की वफात का वक्त करीब आया तो इसने अर्ज़ किया, या अल्लाह मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज़ हो और मेरे जिस्म को महफूज रखा जाए और मुझे क़यामत में सजदे की हालत में उठाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ ऐसा ही किया, चनाचा हम आसमान से उतरते चढ़ते इसको इसी हालत में देखते। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये बंदा जब हाजिर किया जाएगा तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। ये अर्ज़ करेगा, इलाही मेरे अमल की वजह से ही जन्नत क्यों नहीं। दो दफ़ा ऐसा ही होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा, और ये अमल का नाम लेगा। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा, और ये अमल का नाम लेगा। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जो नेमतें मैंने इसको दी हैं और जो अमल इसने किया है इसका हिसाब होगा, तो सिर्फ आँख की नेमत ही के बदले में 500 साल की इबादत ख़त्म हो जाएगी और बाकी जिस्म पर जो एहसानात हैं वो फाजिल और जायद होंगे। इरशादे खुदावंदी होगा कि मेरे इस बंदे को आग में दाखिल करो,
बस वो दोजख की तरफ इसको खींचा जाएगा। ये कहेगा, ऐ रब मुझको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दीजिए। इरशाद होगा, इसको लुटा लाओ। चनाचा ये हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तुझे किसने पैदा किया? ये अर्ज़ करेगा, आपने पैदा किया। फिर इरशाद होगा, 500 साल तक इबादत करने की ताकत किसने दी? ये कहेगा, या रब आपने। अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा कि पानी की मोजों के दरमियान पहाड़ पर तुझको किसने पहुँचाया, और खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा तेरे लिए किसने निकाला, और अनार का दरख्त जो एक साल में एक दफ़ा फल लाता है, रात दिन में इसको एक फल देने वाला किसने बनाया? और तूने जब अर्ज़ की कि मेरी जान सजदे की हालत में निकाल ले, तो मैंने ये बात भी तेरी पूरी कर दी। ये अर्ज़ करेगा, ऐ रब तूने ही सब किया। इरशाद खुदावंदी होगा, ये मेरी रहमत है और मैं अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में दाखिल करता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, तमाम अशिया अल्लाह की रहमत हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक